and I think this is going to be your best decision of your life, right? So as you choose this mechanical engineering, क्योंकि mechanical engineering एक ऐसा domain है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा साल पीछे चले जाओ, आप 20-30 साल पीछे चले जाओ, तो आप लोगों को पता होगा कि इंजीनियरिंग में एक ही ब्रांच होता था, वो मैकेनिकल होता था, राइट? तो उसके बाद से इसी से सब ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गया, राइट? इलेक्ट्रिकल निकला, फिर आगे सिविल हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस आ गया, फिर बाकी सारे डोमेन आ गए। सो अब मेरा यहाँ पे आने का जो पर्पस है, आधे घंटे का प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन इस आधे घंटे के प्रेजेंटेशन में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, और मे बी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जिसके बारे में आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसकी डिटेलिंग आपको नहीं पता कि उसके बाद का करियर क्या है, और उसके बाद मेरे को अपना ये जो पाथ है या जो मैंने अभी जो बीटेक मैकेनिकल चूज किया, इसको बेस्ट में कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ मैं। तो इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बेस्ट यूटिलाइज करना है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर को बेस्ट यूटिलाइज आप तभी कर पाओगे अगर आपको वो सारी करियर ऑप्शंस पता है, राइट? तो अब हम लोग वो सारी करियर ऑप्शंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना आधे घंटे की प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद आप लोग जितने भी तुम्हारे दिमाग में डाउट आएंगे उसको सभी को आपने मेरे से जो है वो क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि हमारे तीन प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट वन इज इंजीनियर्स करियर पाइप, दैट इज टोटली द ऑफलाइन प्लेटफॉर्म व्हिच वी स्टार्टेड इन 2011 फॉर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्टेट जेईई एग्जाम्स आर देयर। Then in 2017 we started this your PDF platform. ECP का limitation था कि this was limited to the region only. हम लोग चंडीगढ़ based थे, हरियाणा से बच्चा आ रहा था, हिमाचल से आ रहा था, पंजाब से है, जम्मू कश्मीर से है, but we want to expand it globally. I would say globally. Then thirdly we started this global platform, then your PDF 2017, which has reached the stage क्योंकि आपको subscriber base से थोड़ा idea लग जाता है, और ये जो सब्सक्राइबर बेस है मैं बोलूंगा ये बहुत बड़ा नंबर है, आई विल से इक्वल टू 1 मिलियन। रीजन इज क्योंकि जिस डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत नैरो डोमेन है, बहुत ही नैरो डोमेन है, अगर जेनरिक डोमेन होता तो कोई लिमिट ही नहीं था, तो उसके कंटेक्स्ट में ये बहुत बड़ा नंबर है। और खास करके डोमेन तो इंजीनियरिंग बहुत नैरो है, और उसके बाद इंजीनियरिंग में भी आगे जो डोमेन्स हैं, खास करके हायर स्टडीज, नो डाउट जॉब का भी एक ऑप्शन है, खास करके हायर स्टडीज तो आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होती है, थोड़ा सा ब्रॉडर में भी क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होती है आपके पास। पहला ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, जॉब का, ठीक है? जॉब में अगर आप इसको आगे डिवाइड करोगे तो जॉब में किस टाइप की जॉब, आपका पहले तो प्लेसमेंट हो सकता है, प्राइवेट जॉब हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का भी ऑप्शन होता है आपके पास, गवर्नमेंट जॉब नहीं, ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वो थर्ड कैटेगरी है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, रेलवे में आप लोग जा सकते हैं जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एसएससी भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है जूनियर इंजीनियर का, और तीसरा कैटेगरी ऑफ जॉब आपका आ गया पब्लिक सेक्टर का। देखो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये प्योरली गवर्नमेंट नहीं है, इसमें 51% शेयर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, बाकी कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट का या प्राइवेट का या बड़े पीएसयू का, तो ऐसे जो है कोलैबोरेटिव प्रोग्राम होते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस होती है, राइट? तो तीन टाइप ऑफ जॉब आपके पास आ गया, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और पब्लिक सेक्टर का। अब दूसरी कैटेगरी पे आ जाओ, और क्या ऑप्शन होता है तुम्हारे पास जॉब के बाद, अलावा हायर स्टडीज का। अब हायर स्टडीज को आगे डिवाइड कर दो, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक आ गया आपके टेक्निकल डोमेन में और दूसरा आ गया आपका मैनेजमेंट डोमेन में, राइट? टेक्निकल डोमेन में, मैनेजमेंट डोमेन में, टेक्निकल डोमेन में तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन होती है, एमटेक ऑप्शन होते हैं, एमटेक ऑप्शन होते हैं बीटेक के बाद, और क्या ऑप्शन होते हैं बीटेक के बाद, नहीं वो मैनेजमेंट वाला डोमेन आ गया, मैं टेक्निकल में पूछ रहा हूं, ओनली एमटेक इज द ऑप्शन, कोई और ऑप्शन होते हैं, एमएस ऑप्शन होते हैं, अब बोलो एमएस तो सारा प्रॉब्लम होते हैं, इंडिया में भी एमएस होते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे। तो एक ऑप्शन हो गया एमटेक का, एक ऑप्शन हो गया आपके पास एमएस का, एक और ऑप्शन क्या होता है टेक्निकल डोमेन में, डायरेक्ट पीएससी का, डायरेक्ट पीएससी आफ्टर दी एमटेक, सॉरी बीटेक। तो बीटेक के बाद टेक्निकल डोमेन में हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, एमटेक का ऑप्शन आ गया, एमएस का ऑप्शन आ गया, डायरेक्ट पीएससी का ऑप्शन आ गया, राइट? उसके बाद मैनेजमेंट में तुम्हारे पास एमबीए प्रोग्राम होते हैं या पीजीडीए कोर्स, जो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ऐसे कोर्सेज बहुत होते हैं, ये ऑप्शन आ गया मैनेजमेंट में।
अब ये जो हमने डिस्कस किया टेक्निकल डोमेन या मैनेजमेंट डोमेन इंडिया के अंदर, ये सारी डोमेन आपके पास अब्रॉड भी अवेलेबल है, अब्रॉड से डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। पहली बार सुना होगा शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये टर्म कि डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड विद स्कॉलरशिप, जिसके बारे में पता ही नहीं है। एंड योर पीएचडी इज अ प्लेटफॉर्म जो ये अवेयरनेस दे रहा है। जब इंडिया में डायरेक्ट पीएचडी स्टार्ट हुआ था 2013-14 के आसपास, तो इंजीनियर्स करियर पाइपलाइन वाला था प्लेटफॉर्म की जिसने स्टूडेंट्स को भेजा डायरेक्ट पीएचडी। Now similarly we talk about the direct PhD abroad, जिसमें तुम्हें 3,000-3,000, 4,000 per month US dollar का scholarship मिल रहा है, we are sending the students, right? तो ये आगे इंडिया, ये आगे abroad। तीसरी category job हो गया, higher studies हो गई। तीसरी category entrepreneurship, अपना job, अपना काम करता, right? ये तीन domain होती है broader way में, आया ना? इसके अलावा कोई और option मिला आपको तुम्हारे पास? फ्रीलांसिंग भी एक ऑप्शन है, कि फ्रीलांसिंग आपको इसी में से किसी डोमेन में करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, कुछ भी हायर स्टडीज कर रहे हो, तो उसमें तो इसी डोमेन में आपके पास आएगा, राइट? अब मैं आप लोगों को एक चीज ये बोल रहा हूँ, अब आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो अगर आपने एमबीए करना है क्या करना पड़ेगा? एमबीए फ्रॉम टॉप ऑर्गेनाइजेशन करना है क्या करना पड़ेगा? कैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि पब्लिक सेक्टर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? गेट एग्जाम या वो एमएस टेस्ट भी लेते हैं। अगर मेरे को सपोज आपको डायरेक्ट पीएचडी करनी है तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा? फिर भी मेरे को कोई ना कोई एग्जाम लिखना पड़ेगा, लाइक गेट एग्जाम इज देयर। अगर मैं बोलूं कि आपको अब्रॉड जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा? तब भी कुछ ना कुछ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जनरल वे में मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अगर हमें लाइफ में कोई अच्छी चीज चाहिए, इनमें से प्राइवेट जॉब 10-20,000 की नौकरी कर सकते हो, 30-40,000 की नौकरी कर सकते हो, 2-4 लाख के पैकेज में काम कर सकते हो, लेकिन मेरे को चाहिए यार 8-10 लाख, कम से कम 15-20 लाख की नौकरी, तो कुछ ना कुछ तो कंपटीशन से निकलना पड़ेगा ना। मेरे को आईटी जाना है, मेरे को एनआईटी जाना है, तो कोई ना कोई तो कंपटीशन देना ही पड़ेगा ना मेरे को। मेरे को आईएम से एमबीए करना है, तो कोई ना कोई तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जितने भी करियर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ये सारी की सारी थ्रू वन सिंगल एग्जाम से हो जाता है, थ्रू वन सिंगल एग्जाम, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम। अब इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने नया सुना होगा कि सर ये फॉरेन में अब्रॉड कैसे जा सकते हैं गेट के थ्रू, सर डायरेक्ट पीएचडी एमबीए गेट के थ्रू कैसे आ गया? तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में आएगा कि सर ये कैसे, हमने तो सुना था कि गेट तो सिर्फ या पब्लिक सेक्टर के लिए होता है या एमटेक के लिए होता है, मे भी शायद आप लोगों ने अभी तक यही सुना हो, राइट? लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन में भी जाना है तो गेट इज वन ऑफ द वे, गेट एक रास्ता है। तो अभी जितना भी करियर ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, ये सारा का सारा थ्रू वन सिंगल एग्जाम है, दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। दैट इज द रीजन व्हाई, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, मेरे को लगता है मैं वर्ल्ड का भी बोल सकता हूं, इंडिया में ये एक ऐसा सिंगल एग्जाम है जिसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शन तुम्हारे पास ओपन हो रहे हैं। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम करियर का पाथ चाहते हो, वो सारी ऑप्शन एक सिंगल एग्जाम के थ्रू ओपन हो रहे हैं। मे बी शायद कोई और एग्जाम के थ्रू नहीं है, एसएससी जेईई के एग्जाम दे रहे हो तो सिर्फ जॉब लगेगा, कैट का एग्जाम दे रहे हो सिर्फ तुम एमबीए कर सकते हो, जीआरई दे रहे हो तो मे बी शायद मैं यूएसए में कुछ एक कंट्री में टारगेट कर सकता हूँ, आईएलटीएस दे रहा हूं तो मे बी कुछ और कंट्रीज में यूनिवर्सिटी में टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू ये सारी ऑप्शन तुम्हारे पास ओपन हो जाएगा। बाकी दूसरा डिपेंड करेगा तुम्हारे मार्क्स उसके अंदर कितने आते हैं, फिर उनमें से कौन कौन सी ऑप्शन तुम्हारे पास ओपन होता है वो एक सेकेंड स्टेज है, राइट? अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि जैसे मैंने गेट वर्ड यूज किया, आधे से ज्यादा के तो दिमाग में हो जाता है कि यार ये तो गेट की बात करने आए हैं, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम है। सबसे पहला थॉट तुम्हारे दिमाग में आएगा मेजॉरिटी लोगों के कि जब भी हम गेट वर्ड सुनते हैं ना, यार मेरे तो देना ही है, तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज है यार, अगर लाइफ में तुम अच्छा चाहते हो ना तो वो एग्जाम या वो चीज तुम्हें कंपटीशन से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है, आज की सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप पीछे चले जाओ 4-5 साल, उस टाइम की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है, खास करके कोर ब्रांचेस के अंदर, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, खास करके मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल। रीजन, क्योंकि इन ब्रांचेस में आज के टाइम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। अब मैं आपको एक डेटा के थ्रू चलते हैं। इंजीनियरिंग ने 2016 तक एक पीक हिट किया, 2016-17 तक गेट एग्जाम ने हिट किया, पीक हिट किया,
जब तकरीबन मेरे को जहां तक देखा याद है तकरीबन 12-12.5 लाख लोगों ने गेट के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, ये 2016 या 2017 के बाद की बात है, ठीक है। कितने परसेंट स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करते हैं? हाँ, कितने परसेंट अंदाजा? 15-18% जो बच्चा है वो गेट क्वालिफाई करता है, ठीक है। 11.5-11.5 लाख बच्चा एडमिट हुआ था, तो कितने नंबर स्टूडेंट्स ने जो है क्वालिफाई किया गेट एग्जाम? 11.5 लाख में से 15-18% है, लेके चलो रफली 2 लाख के आसपास, राइट, इतना बच्चा एडमिट हुआ। अब ये सारा जो बच्चा गेट क्वालिफाई किया वो एलिजिबल है टू गो टू एक्सप्लोर ऑल दोस ऑप्शंस जो मैंने डिस्कस किया आपसे, राइट और रॉन्ग। आज का सिचुएशन क्या है, पिछले साल 2024 का तो कोई डेटा नहीं आया है, 2023 का डेटा ये है कि 5.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया जिसमें से 4.5 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, और जो परसेंटेज ऑफ क्वालिफाई करने वाला फिगर है वो तो वही है, कितने परसेंट बच्चे ने क्वालिफाई किया? 60-70 हजार है ना, ठीक है जी, 60-70 हजार वर्सेस 2 लाख बच्चा। नाउ कम टू द अपॉर्चुनिटीज, कम टू द अपॉर्चुनिटीज। अब मेरे को बताओ 2016-17 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट के, सॉरी, जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल थी मास्टर प्रोग्राम के लिए, डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो भी गेट के थ्रू ऑप्शन है, और जो पब्लिक सेक्टर में जॉब का जो ऑप्शन था वो अब पिछले 4-5 साल में बढ़ा होगा, कम हुआ होगा या सेम रहा होगा? चलो मान के चल रहे सेम, वैसे तो बढ़ रहा है और बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा उसका भी आंसर कर रहा हूं मैं, क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ेगा? पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और दूसरा हम लोग क्वालिटी लाइफ चाहते हैं, क्वालिटी लाइफ की नहीं, हम चाहते हैं कि 24 घंटे बिजली आए, हम चाहते हैं हमें गाड़ी अच्छी मिले, हमें रोड सड़कें पानी खाना पीना सब कुछ अच्छा हो, चाहते हो कि चाहते हो? कैसे पॉसिबल है जब तक उस हिसाब से गवर्नमेंट काम नहीं करेगी या सिस्टम वैसे काम नहीं करेगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस हिसाब से नीड के हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ रही है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आ रही है वो बढ़ रही है, और दूसरा मैटर है कि उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, अगर लोग मिल रहे हैं तो कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो भी मैं तुम्हें प्रमुख करके जाऊंगा अभी, ठीक है। चलो मान भी करते हैं कि जितना 2016-17 में जो जितनी अपॉर्चुनिटीज थी उतनी आज है, मान लो उतनी आज है, कंपटीशन बहुत कितना, 1/3 भी नहीं 1/4 है, क्यों? क्योंकि अब थर्ड ईयर का बच्चा भी पेपर दे सकता है जो कहीं पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है उस टाइम पे। पॉइंट को समझना ध्यान से जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, समझ आ रही बात की नहीं, कि जो 60-70 हजार बच्चा क्वालिफाई किया है उसमें मेरी 5-7 हजार बच्चा थर्ड ईयर का भी होगा जो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए, फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये जो 60-70 हजार बच्चा क्वालिफाई किया है इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिन्होंने दोनों गेट पेपर दिए हुए हैं, क्योंकि दो गेट पेपर दे सकते हो आप लोग, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? 5-7 हजार बच्चा ऐसा भी है, तो इफेक्टिव बच्चा 50 हजार है जो आगे एलिजिबल है, जो आगे एक्सप्लोर करेगा, और उस 50 हजार में भी 10-15 हजार बच्चा ऐसा होगा जिसका नंबर बिल्कुल नियर टू कट ऑफ आया होगा, और जिसने पब्लिक सेक्टर टारगेट किया था जो अगले साल के लिए टारगेट कर देगा, पीछे रह गया 40 हजार बच्चा। मैं पता क्यों इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म, दिस योर पीडीएफ प्लेटफॉर्म, हम इसी में डील करते हैं, हम लोग इसी चीज में डील करते हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं मैं फेक नहीं रहा हूं, मैं एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं, इसको माना ना माना तुम्हारे ऊपर होगा, अगर मान लिया तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, नहीं तो जैसे चल रही जिंदगी चलती चली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे आने या ना आने से, बात आ रही नहीं समझ में? तो जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब वो टाइम गया कि मेरे को अगर आईआईटी में एंटर करना था हायर स्टडीज के लिए तो मेरे को कम से कम 60-70 नंबर लेके आने पड़ते थे, अब मेयर गेट क्वालिफाई करने पर भी गेट में एंट्री मिल रही है, सॉरी आईआईटी में एंट्री मिल रही है, मेयर गेट क्वालिफाई कर रहे हैं। अब वो टाइम किया बिल्कुल 30 नंबर, लेकिन पॉइंट यहां पे ये सोच के देखो कि जिसने 30 नंबर लाए होंगे और जो 4-5 साल पहले 60 नंबर वाला उसी स्टेज में गया होगा, ऑब्वियस है यार कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम, मतलब डिफरेंस तो होगा, जमीन आसमान का होगा, लेकिन अब करें क्या, वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है कि जो 30 नंबर ला रहा है वो फायदा उठा गया, फायदा उठा गया, और वो फायदा तुम लोग भी उठा सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड अगले 3-4 साल 4-5 साल रहेगा,
कैसे अंदाजा लगा सकते हो? थर्ड ईयर में कितना एंट्री है आपका, कितने बच्चे हैं थर्ड ईयर का? 38. सेकंड ईयर में कितने? फर्स्ट ईयर में कितना है इस बार? 55. ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अब मैं बोलूं पिछले 5-6 साल पहले कितना था? 400 नियर अबाउट, 4000. अब आप यही से आए तो ये सिचुएशन क्या तुम्हारे कॉलेज की है? नहीं, ये हर कॉलेज, ये हर कॉलेज. चितकारा में 300 बच्चा होता था, वहां पे 25-30 बच्चे हैं. देखो हमें फैक्ट से ही चीजें समझ में आती है, ये फैक्ट है. तो कहने का मतलब ये है, अगर तुम 35-40, अब वो टाइम गया कि मेरे को 100 नंबर का पढ़ने गेट के लिए नहीं रिक्वायरमेंट है, 60-70 नंबर का पढ़ो, 40-45 नंबर लेके आओ, करियर बन जाएगा. पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट जो एंट्री कौन किस ब्रांच के लिए होता है? मैकेनिकल का. और सिटे उनका बैकलॉग, बच्चे नहीं मिल रहे उनको, ये फैक्ट है. दूसरा, जो मिल भी रहा है कैपेबल नहीं है, कोई अपने ऊपर लाइबिलिटी थोड़ा पालेगा भाई. अगर नीचे रखना है इन्होंने, अगर इन्होंने इंटर कॉल किया, इनको नहीं बनता कैपेबल मिला, क्या इनकी मजबूरी है टीचर रखना? नहीं, वो तो बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. और ये एप्लीकेबल रहते हैं, और कई बार मजबूरी में भी करना पड़ जाता है कोई काम. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ अभी पंजाब की सिचुएशन, पीटर क्लास में जूनियर इंजीनियर का एग्जाम करवाया है. कोई भी रिटन एग्जाम होता है ना, उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर होता है कि मिनिमम इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो तुम्हें भाई लाने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें एलिजिबल होने नेक्स्ट के लिए. समझ में आई बात? लेकिन अभी पीटर क्लास में ने जेई का एग्जाम दिया पंजाब में, उन्होंने ये क्राइटेरिया ही खत्म कर दिया, क्राइटेरिया ही नहीं रखा इस बार. क्यों? क्योंकि इतने सालों से बैकलॉग वैकेंसी आ रहा था और भरी नहीं जा रही थी. काम तो चलाना ही है यार, लेकिन अब ये भी गारंटी है वो बोझ बनेगी ऑर्गेनाइजेशन पे. दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट सिस्टम टोटली फेल है. क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आप लोगों में कितने लोग जो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं? क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी. सबसे पहला आप लोगों का रीजन होता है सिक्योरिटी, जो सबसे मतलब बेहूदा रीजन है. रीजन भाई सिक्योरिटी क्यों चाहते हो तुम लोग? किस चीज की सिक्योरिटी चाहते हो? जॉब से तो नहीं चाहते भाई, ये सिक्योरिटी चाहते हो? किस चीज की सिक्योरिटी चाहते हो भाई? तो मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये सोचते हैं कि कल मेरे से मैं कुछ गड़बड़ कर दूं या गलती कर दूं तो मेरे को कोई निकाल ना पाए. ये तो रीजन है यार, हम लोग गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं. नो थिंक अबाउट दैट, वहां जाके करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा ऐसा बंदा. मैं ये नहीं बोल रहा, देखो कोई भी बंदा इस चीज को पर्सनल मत लेना प्लीज, नहीं बाद में मेरे को पीड़ तो पकड़ेगी. ठीक है, कोई पर्सनल नहीं लेना है, लेकिन जो मेच्योरिटी का चीज है, जो मेच्योरिटी, देखो सिक्योरिटी क्यों है? किस चीज का डर है मुझे बताओ, किस चीज की सिक्योरिटी? किसी के सैलरी की वजह से कोई कंपनी मतलब डाउन जाती है, उस वजह से एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट को कभी प्रॉब्लम नहीं. नहीं, ये एक रीजन हो सकता है, वो सिर्फ एक कोविड सिचुएशन आई है तभी किया, अदरवाइज लेकिन लेकिन अच्छा चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. जो ये ग्रो, अब अगर मैं बोलूँ इंडिया की कंट्री की बात करूँ, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है? प्राइवेट कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है? क्यों कर रही है? तो काम लेना उनको गवर्नमेंट को कुछ प्राइवेटाइज करने में. प्राइवेट क्यों? उसके पीछे रीजन यही रीजन है, उसके पीछे उसके लिए रीजन यही है कि काम करना. चलो उसको एक्साइट करके अब मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ कि अब इस टाइम पे एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, बड़े सिंपल से भी. और गेट एग्जाम की जो मैं बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, पहला चीज है कि इससे कभी भी डरना नहीं है यार. गेट एग्जाम से क्यों डरते हैं हम लोग? क्योंकि हमने उस एग्जाम को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भी पेपर दिया थर्ड ईयर में? गेट का पेपर दिया किसी ने? ठीक है, क्यों नहीं दिया? मैं अभी आपको सेकंड ईयर दिया तो सभी देंगे, मेरा भी चाहिए, क्यों देंगे वो भी बताऊंगा. तो कहने का मतलब ये है कि गेट एग्जाम हम लोग पहले ही दिमाग में बिठा लें प्लीज प्लीज यार कि डिफिकल्ट है, लेकिन हमने उसका कभी भी एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखा ही नहीं कि है क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. क्योंकि अगर आपने उसका रिक्वायरमेंट समझ लिया, अगर अंडरस्टैंड कर लिया कि गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के रिक्वायरमेंट क्या है, तो तुम लोग सारे कर लोगे, सारे कर जाओगे. तो हमें किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है. यहाँ पे कंपनी सारी प्लेसमेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल सोनालिका आ रही है, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा आ रही है, फॉर एग्जाम्पल एक्सवाईजेड आ रही है. हर कंपनी की इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, होती नहीं होती है, उसी हिसाब से तुम अपने आपको प्रिपेयर करते हो. तो भाई मतलब रिटन एग्जाम की रिक्वायरमेंट इसी हिसाब से होती है, लेकिन बस हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि उस चीज की रिक्वायरमेंट क्या है, चाहे रिटन है चाहे वो इंटरव्यू है.
बात आ गई सुन रही, ठीक है। अब गेट एग्जाम है क्या एक्चुअल में? गेट एग्जाम एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट मांगता है, ये समझ मांगता है कि ये एग्जाम समझ से होगा, ये एग्जाम रट्टा लगाने से नहीं होगा। जैसे कॉलेज में हम लोग काफी अच्छी चीजें कराए क्योंकि कॉलेज की रिक्वायरमेंट अलग है और कंपटीशन की रिक्वायरमेंट अलग है। कॉलेज में हम लोग ठीक है चीजें याद करके जाके वहां पे एज इट इज लिख दिया चल जाएगा, क्रैम करके लिया, लेकिन वहां पर तो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, समझना पड़ेगा चीजों को। तो अगर तुम अंडरस्टैंडिंग करके चलते हो, समझ के चलते हो, तो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है।
15 नंबर का आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें 15 नंबर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, आप 10वीं तक मैथ करते हो ना, एलसीएम एचसीएफ, आप ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वर्क स्टडी हो, ये अपना टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? रीजनिंग एक चीज का प्रॉब्लम, सिटिंग प्रॉब्लम से पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिलिंग द ब्लैंक्स एंटोनियम सिनोनियम पढ़ के आए हो, नहीं पढ़ के आए हो? तो मेरे को ये बताओ कि 100 नंबर में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो तुमने नहीं पढ़ा या जो अभी इंजीनियरिंग तक नहीं पढ़ोगे, सारा तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस करना क्या है कि उसके रिलेटेड मेरे को पीवी के क्वेश्चन ढंग से लगा ले, और उसको लगाने से पहले मेरे को सब्जेक्ट का कंसेप्ट ढंग से पढ़ना है, ढंग से कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट का मतलब क्या, मशीन डिजाइन पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया ना कुछ लोगों ने, वालों ने आप लोगों ने रिट्रीट जॉइंट वगैरह पढ़े होंगे, लैब जॉइंट पार्ट जॉइंट की, तो अगर दो साइड पे वेल्डिंग होगी तो उसका डिस्टेंस डबल हो जाएगी, डबल रिवेट लग गया तो उसको एरिया को डबल हो जाएगा, पढ़िए कंसेप्ट नहीं, यही कंसेप्ट होता है, ये मतलब है कंसेप्ट का कुछ नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद गेट एग्जाम का कुछ डिटेल्स, आप लोग थर्ड ईयर ऑनवर्ड गेट एग्जाम लिख सकते हो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड गेट एग्जाम लिखने का नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं होता, एज का कोई लिमिट नहीं होता, ध्यान से सुनना, एज का कोई लिमिट नहीं होता, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं होता। तो इसके पीछे मेरे को रीजन बता सकते हैं क्यों नहीं होता एज लिमिट या नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट? लेकिन इस साल की सिचुएशन क्या है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, पंजाब की
अच्छा इस बार पंजाब ने मैकेनिकल भी एलिजिबल किया है, हरियाणा तो हर साल करता ही था, आप लोग एलिजिबल हो। मैं भी बोल रहा हूँ कि बाय द टाइम जो रिक्वायरमेंट्स है, जो ओपनिंग है, वो बढ़नी ही है। अब पंजाब की सिचुएशन, ये 2023 के थ्रू 125 वैकेंसी आई थी, 125 वैकेंसी, पता कितनी फिल हुई है, पर वो सारी इलेक्ट्रिकल की थी, पता कितनी फिल हुई है, मानो सच है, हाँ मेरे को पता, तो तुम बिल्कुल नीचे चले जाओगे यार, कुछ 55, बाकी सारी वैकेंट, 80 सीटें वैकेंट, रीजन रीजन बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब मेरे को तो ये भी नहीं पता, ये डाटा मेरे पास नहीं कि पंजाब के बच्चों ने कितनों ने लिखा। 25 नंबर क्वालिफाई था जनरल कैटेगरी के लिए, जिसके 25 नंबर है लास्ट बच्चा वो एसडीओ लग गया। 16 नंबर रिजर्व के लिए थे, जिसके लगे वो लग गया। मैं तुम्हें पीटर क्लस्टर की सिचुएशन बता रहा था, जनरल कैटेगरी 82 नंबर कटक गया है, और जो बैकलॉग वैकेंसी चलती आ रही उन्होंने कटक रखा ही नहीं, मिनिमम का रखा ही नहीं क्राइटेरिया, 10-10 नंबर वाला भी यही लग गया। चलो वो ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ये तो सिस्टम में फ्लो है, उसको हम डिस्कस कर ही नहीं सकते, उधर जो गड़बड़ा वो गड़बड़ है। लेकिन मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज की, जो आने वाले 3-4 साल के बाद तुम्हारे लिए ओपन होनी है। अच्छा ये पंजाब का सिचुएशन नहीं है, अब मैं आ जाऊं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुना ना आप लोगों ने, 2023 के थ्रू से रिक्रूटमेंट किया, बच्चे उनको नहीं मिले, रीएडिटीज किया बैकलॉग वैकेंसीज के साथ, सेल महारत्न पब्लिक सेक्टर, पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रीएडिटीज विद बैकलॉग वैकेंसीज, ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं जिनको बच्चे मिल ही नहीं रहे, खास करके मैकेनिकल के, क्योंकि मैकेनिकल का बच्चा है ही नहीं मार्केट में। फिर सेल ने अपना पेपर निकाला अलग से, 90 वैकेंसी आई उसके बाद। अब सिचुएशन सोच लो यार क्या है, और तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अपने हिसाब से देखो, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है इसके लिए, राइट। उसके बाद अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है इंडिया अब्रॉड, अगर आप अपना करियर किसी स्पेशलाइज्ड डोमेन में चाहते हो, आप लोग प्रोजेक्ट करते हो सीनियर थर्ड ईयर में, अलग अलग चीजों पे ड्रोन बना रहे हैं, कोई कोई कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, आपके लिए उससे कुछ इंटरेस्ट डेवलप होता है, एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट डेवलप होता है। मे बी वो डिजाइन सेक्टर में हो सकता है, मे बी वो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, मे बी वो कोडिंग में हो सकता है, मे बी वो सॉफ्टवेयर में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है इंटरेस्ट डेवलप तुम्हारा। अगर आपको अपना करियर उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड डोमेन में परस्यू करना है, then you should go for the higher study. देखो जितना भी मैं चीजें तुम्हें करियर के लिए डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं ये जो गेट एग्जाम है उस करियर वाली स्टेज पे पहुंचने का एक रास्ता है, एक जरिया है, ऐसा नहीं कि ये कंपल्शन है, लेकिन रास्ता ही यही है और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर मेरे को उन ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है या जो मेरे को अपना बहुत अच्छा करियर आगे लेके जाना है और तगड़ा पैसा कमाना है, ये एक रास्ता यही है। अगर उसको 20-25-30 लाख की नौकरी तो यार डेनी की तुम्हें मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियर है ही नहीं मार्केट में, ऐसे ही मिल जाएगी तुम्हें, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, मैं कोई नहीं अनप्लेस बचेगा, आराम से मिल जाएगी तुम्हें सभी की नौकरी। लेकिन अगर तुम्हें उसी से खुश होना है 3-4 लाख 5 लाख तक के में, तो ठीक है, डर है। अब तुम्हें वो बता 3-4-5 लाख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी अभी तक कोई ब्रांडिंग ही नहीं है, तुम्हारी अभी तक कोई स्पेशलाइजेशन ही नहीं है, दैट इज द रीजन वाई। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता जो तुम्हें वो लेके जा रहा है वो तुमसे काम क्या करवाएगा, तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद ध्यान से पढ़ने लास्ट टाइम, गेन प्रोफेशन इंक्रीजेस योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लेवल, दस सप्लीमेंट्स योर प्लेसमेंट एफर्ट्स, whereby almost all the core companies conduct a technical interview during the selection process. समझाइए ना बस कि जब तुम गेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा ना बढ़ेगा, तो तुम्हें इंटरव्यू में काम आएगा नहीं आएगा, 100% काम आएगा और तुम्हें वो बेनिफिट देगा उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं
मैंने लिखा है भाई एवरीवन शुड राइट गेट एग्जाम, कि हर किसी को गेट का एग्जाम देना क्यों चाहिए। और बिल्कुल एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि मेरे को कोई एक नुकसान बता दो गेट एग्जाम देने का, कोई एक नुकसान बता देना, फायदा तो बहुत है ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रेडिट लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को पेरेंट्स से कॉल करते हैं तो बात करते हैं कि सर प्लस वन प्लस टू सर बहुत अच्छा था, बहुत इसने मेहनत किया, ट्राई किया आई टी एन आई टी जाने का, लेकिन इसका नहीं हो पाया, तो इसने ये कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब यहाँ पे सर इसका मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में और इसका सीजीपीए बहुत लो जा रहा है। मे बी आप लोगों में किसी ना किसी का ऐसा सिचुएशन होगा। अब मेरे को ये बताओ तुम बीटेक कर रहे हो, किसी का सीजीपीए 8 भी होगा, 8.5 भी होगा, 9 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, है ना। क्या सीजीपीए का क्राइटेरिया है ये बताने का कि तुम्हारा कैपेबिलिटी क्या है? हाँ, लेकिन ये एग्जाम जरूर है, लेकिन ये एग्जाम जरूर है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्रेडिबिलिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर तुम्हारा गेट क्वालिफाई होता है तो तुम्हारे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएगा, तेरा 6 सीजीपीए नालायक, 9 सीजीपीए तो बहुत शार्प है, समझ रहे हो पॉइंट। तो ये उस चीज का प्रूफ है, अगर तुम गेट क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद वो अलग मैटर है कि तुम्हारे उसमें मार्क्स कितने आते हैं, वो एक अलग मैटर है, उससे तो और क्रेडिबिलिटी बढ़नी पड़ती है। तो तुम्हारी इंजीनियरिंग में कैपेबिलिटी वाली मैं बात कर रहा हूं, ये उसका प्रूफ है कैपेबिलिटी, इसका क्रेडिबिलिटी है उसका, बात आ गई समझ में। दूसरा पॉइंट, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारा मन कर गया आज से 15-20 साल बाद गेट देने का, सॉरी हायर स्टडीज करने का किसी प्राइवेट कॉलेज से फॉर एग्जाम्पल, या तुम्हारा पीएचडी करने का मन बन गया, या कुछ भी, या तुम अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, शिफ्टिंग तो मारोगे, स्विच तो मारोगे जॉब वगैरह में जाके, ये एक ऐसी चीज है कि जिसका तुम फायदा ना पूरी जिंदगी उठाओगे। अगर तुम एक बार गेट क्वालिफाई कर लेते हो, हर टाइम तुम अपने रिज्यूमे पे उसके लिख के रखोगे बोर्ड में, और उसका तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, बिलीव मी। शायद आपको मेरे में सारी बहुत सारी बातें ऐसी लग रही होंगी कि क्या क्या है, ऐसी है, ऐसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। तो इसका फायदा तुम पूरी जिंदगी अपने रिज्यूमे के ऊपर ले सकते हो। नो डाउट सामने वाले बंदे की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी जब तुम लिखोगे कि मैं सर गेट क्वालिफाई हूं, उसकी एक्सपेक्टेशन भी होगी, उसकी इमेजिनेशन भी फायर होगी, आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, अच्छा है, इसका कंसेप्चुअल लेवल अच्छे होंगे, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी, और वैसा तुम्हें परफॉर्म भी करना पड़ेगा। पर मेहनत करने से जिंदगी में कभी मत घबरा, कभी मत घबरा, या ऐसे कोई नौकरी से थोड़ा ना निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम, मान लो नौकरी से निकाल भी दिया एंड यू आर कैपेबल, 2-4 महीने बाद फिर से ले जाओगे, इफ यू आर कैपेबल। अगर डर है कि अगर ये छूट गई मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने किए नहीं जिंदगी में कुछ भी, तो फिर डर तो डर ही आएगा, फिर डर जाएगा। आ रही है बात समझ या नहीं आ रही? उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू हम डिस्कस कर सकते हैं, किसका तुम्हें बेनिफिट इंटरव्यू में मिलेगा। 4 लोग तुमने में से 10 लोग जब प्लेसमेंट चलेगा, 2-4 लोगों के रिज्यूमे पे लिखा होगा गेट क्वालिफाइड सर, दिस थर्ड ईयर आई एम गेट क्वालिफाइड, इन फाइनल ईयर गेट क्वालिफाइड, उसका तुम्हें बेनिफिट देगा वो इंटरव्यू में, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी उसकी। 10 लोग जा रहे हैं इंटरव्यू, 3 लोगों का गेट क्वालिफाई है, क्या उसको आपको नहीं पता वो बेनिफिट देगा नहीं देगा? 100% देगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्रेडिबिलिटी है, वो इस चीज का प्रमाण है कि अगर तुम गेट क्वालिफाई कर रहे हो कि तुम्हारा तुम्हारी फील्ड में नॉलेज है, तुम्हें समझ है इंजीनियरिंग की, तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की समझ है, राइट। लास्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन अदर एग्जाम्स। अब ये वो पॉइंट है कि मान लो तुम्हारा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तुमने पूरा साल मेहनत की, मे बी जिस दिन तुम्हारा एग्जाम था एक्स वाई जेड रीजन से तुम गेट ही नहीं दे पाए, हो सकता है रीजन, बहुत कई बार होते हैं, बहुत तड़े तड़े बैड लक होते हैं, तुम गए जाते सारी, मेरा फेवरेट टॉपिक मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, पहले 3-4 क्वेश्चन तुमसे हुए ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग के, पॉइंट समझ लो, वो दिन हमारा मे बी वो 3 घंटे हमारे लिए अच्छे नहीं थे, नहीं हो पाया। मान लो एक वर्स्ट केस ले लेते हैं, मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं है
कि अगर किसी ने सारा साल मेहनत की हो उसका ना हो, क्वालिफाई ना हो, एटलीस्ट क्वालिफाई ना हो, या फोन तो कभी भी चला दो यार, समझ रहे हो आपको? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब ये वो चीज है कि जिसमें मान लो तुम्हारा गेट क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन तुमने प्रोसेस कंप्लीट किया है ढंग से, तो क्या गेट इज द ओनली वन एग्जाम? क्या गेट इज द ओनली वन एग्जाम? ऐसे बहुत एग्जाम्स हैं। क्या आईटी में अगर मेरे को एंटर करना तो गेट के थ्रू एंटर कर सकता हूं मैं? अब इस तरह सही सी बस, क्या आईटी में मैं विदाउट गेट एंटर कर सकता हूं? यस सर। सम आईटीज आर देयर, आईटी हैदराबाद, आईटी जोधपुर, आईटी मंडी, आईटी जम्मू इज आल्सो कमिंग दिस ईयर, आईटी कानपुर, ये विदाउट गेट लेते हैं। लेकिन अगेन कंप्लीट तो करना पड़ेगा, वहां पर रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा, वो तो होना ही होगा यार। लेकिन अगर तुम गेट क्वालिफाई कर रहे हो तो बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। गेट क्वालिफाई नहीं कर रहे तो गेट तुम्हें दोबारा से मेहनत करनी है और एक एक दरवाजे पर दोबारा दोबारा से खोलना पड़ेगा। गेट के तुम मेजोरिटी रास्ते ओपन हो रहे हैं एक ही बारी में, लेकिन नहीं होता तो तुम्हें फिर से एक एक दरवाजा दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो ये वो केस है कि अगर तुमने तैयारी ढंग से की है लेकिन गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो जो अलग एग्जाम होते हैं, अलग एग्जाम जैसे कौन से अलग एग्जाम? अगर मैं जॉब की बात करूं गवर्नमेंट में जैसे एसएससी जेई आरपी जेई, पब्लिक सेक्टर बहुत सारे अपना टेस्ट लेते हैं, लेते हैं ना पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे टेस्ट, कोई बता सकते हो कौन से पब्लिक सेक्टर अपना टेस्ट लेते हैं? नहीं गेट के थ्रू और आइए सर ठीक है। देखो ये कॉन्फिडेंस होता है, ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन तुम्हारे साथ हो सकता है कि पहले आंसर दिया डीआरडीओ सर ने बोला गलत, कॉन्फिडेंस डाउन, आपने लोगों को कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा आंसर के कि अगर मैंने बोलते सर ने फिर से गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जब तुम अच्छे से एग्जाम वाले दिन होता है ना, ये सिचुएशन वहां पर बनती है ऐसी। और बताओ आइए सर और बीएचईएल और नहीं बीएआरसी तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है अदर एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो बढ़ जाती है। नाउ थिंक अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएस, क्या वही 1000-1200 लोग हैं कैपेबल जो क्वालिफाई कर जाते हैं? क्या वही कैपेबल है? तो बाकी को क्या होता है जिन्होंने ढंग ढंग से तैयारी किया था, अपना स्टेट का पीसीएस निकाल देंगे और भी बहुत सारे एग्जाम निकाल देंगे, क्या प्रोबेबिलिटी उनकी हाई होगी? डेफिनेटली हाई होगी। इन कंपैरिजन टू वो पर्सन जो ओनली स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, फर्क आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आगे नहीं आ रही है? ये चीज इस केस में भी एप्लीकेबल है। ये है जॉब्स का ऑप्शन थ्रू द गेट एग्जाम, थ्रू द गेट और विदाउट गेट, या बीइंग द मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक के बाद। पहला गवर्नमेंट जॉब मैंने तुम्हें बता ही दिया, ये पब्लिक सेक्टर, ये कुछ पब्लिक सेक्टर के मैंने नाम लिखे हुए हैं। कितने पब्लिक सेक्टर होंगे इधर अंदाजा? कितने होंगे? 250 के आसपास, राइट? उनमें से कुछ ही नाम लिखे हुए हैं मैंने, और बहुत सारे नाम ऐसे मे भी शायद आपको लगेंगे अच्छा ये भी पब्लिक सेक्टर है। आपका पंजाब नेशनल बैंक क्या है? पब्लिक सेक्टर है। जेएंडके बैंक पब्लिक सेक्टर है। एसबीआई पब्लिक सेक्टर है। आप लोगों को पता है इसमें सैलरी होती है गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा होती है, ठीक है? रीजन है पब्लिक सेक्टर। अगर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब होती तो गवर्नमेंट वाला 7% कमीशन ना मिलता। ध्यान से सुनो, समझ आ रही है? अगर ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब होती तो तुम्हें 7% कमीशन मिलता। पैकेजेस कहां जा रहे हैं? 10 से लेकर 18 तक जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर है, कितने महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर है? समझो 3 टाइप के पब्लिक सेक्टर होते हैं, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न। नवरत्न अभी नए नए बने हैं, और महारत्न मिनी रत्न में जो डिवीजन है वो एक उनकी जो टर्नओवर है उसकी बेस पे डिवाइड होता है। तो 12 पब्लिक सेक्टर है जो महारत्न है, तो बता सकते हो नाम? एक्चुअली ये सब लैब्स है, इसमें टोटली आपको गवर्नमेंट वाला पे स्केल मिलता है। ओएनजीसी, एचपीसीएल, ऑयल इंडिया, सेल, बीएचईएल, पीजीसीआईएल, तो 12 है, 12-13 को देख लेना, कुछ बड़ी है कुछ पिछले दिनों में कुछ। अब यहां पे एचईएल टू फेज टू एंटर इनटू द पब्लिक सेक्टर विद एंड विदाउट गेट, दो तरीके हैं पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के, एक है थ्रू द गेट एग्जाम, एक है विदाउट गेट एग्जाम, जो अपना टेस्ट लेते हैं।
और रफली एक साल के अंदर मोर देन 50 एग्जाम्स यू कैन राइट अदर देन द गेट एग्जाम, मोर देन 50। और हमें हम लोग बोलते हैं बहुत जॉब्स नहीं है, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, तुम्हें कंप्लीट तो करना पड़ेगा चाहे एक सीट क्यों ना हो। और दूसरा प्रॉब्लम काम है कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है, तो हमें अपनी एटलीस्ट हमें अपनी फील्ड का पता होना चाहिए कि मेरे पास रास्ते क्या क्या है और मेरे को उसको पकड़ना कैसे है रास्ते को। ठीक है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट, क्या बनाता है ये? DRDO के मेजॉरिटी प्रोडक्ट इसने ले लिए। DRDO 10 साल तक ओवर एम्प्लॉयड रहा, 2010 से लेकर 20 तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं की उसने, क्योंकि ओवर एम्प्लॉयड, आउटपुट जीरो, मतलब जीरो में भी बोलूंगा पर इफेक्ट, कोई इफेक्टिव आउटपुट नहीं। तभी HAL बने और ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है HAL, ISRO बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, BRC बहुत अच्छा कर रहा है, राइट? ISRO इसरो के अंदर जो मेजोरिटी लोग हैं वो किस रीजन से होते हैं इंडिया के? साउथ से। क्यों ऐसा क्यों? इसरो जाना है मेरे को DRDO में साइंटिस्ट लगना है तो जाना है, मेरे को इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम क्रैक करना तो करना है, ये है नहीं हमारे इस रीजन में। सबसे बड़ा ट्रबल ये है, कैपेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो है नहीं, जील नहीं अंदर से, फायर नहीं, जील नहीं सर। साउथ वाले क्यों? एक तो बहुत बड़ा, एक बार बहुत बड़ा रीजन क्या है ना कि जो हमारा सोसाइटी होता है ना, जो हमारा सराउंडिंग होता है, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा हमें उसका इन्फ्लुएंस होता है। हमारे सही में क्या दिख रहा है आजकल? लोग कनाडा जा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार तुम्हारे दिमाग में कोई चीज बैठेगी, अगर तुम्हारी क्लास में मान लो स्पोर्ट्स 15-20 बच्चे दबा के तैयारी कर रहे हो इसरो के, आपको लगता है 500 तुमको देख के और करने लग जाएंगे? बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो जाती है चीजें, खरबूजे को देख के खरबूजा अलग हो जाता है। 500 तो क्या ही कर रहे हैं, आईटी जाना है सर, मेकाट्रॉनिक्स में जाना है, डेटा साइंस में जाना है सर, मैन्युफैक्चरिंग में जाना है सर, आईटी बॉम्बे में जाना है सर, ये फिगर देखिए जबरदस्त है, आईटी मद्रास का सर मैंने एरोस्पेस प्रोग्राम देखा है, बोइंग और एयरबस आते हैं वहां पे प्लेसमेंट के लिए, मेरे को जाना है सर उसको, बताओ कितने नंबर चाहिए मेरे को, मैं देके आता हूं वहां पे जाना है मेरे को। ये हमें एक्चुअली पता ही नहीं है प्रॉब्लम, ये बड़ी पता नहीं हमें जाएंगे भी कैसे, गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती बस ये तुमने कोई जाने की कोशिश नहीं किया, उससे बड़ी चीज को बताने आया उसको सुनाने के ढंग से, है ना? पहले तो तुझे बताते आएगा, वो फिर गेट 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 करके चला जाएगा, फैक्ट्स नहीं बताता तुम्हें कभी भी, और क्यों नहीं बताता? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता खुद को, वो अपनी कोचिंग के हिसाब से आएगा फिर तुम करो, और तो आई नो ऑल्सो फ्रॉम द कोचिंग, लेकिन जब भी तुम कोई काम कर रहे हो ना यार, वो हर किसी का उसमें फायदा होना जरूरी है। अगर तुम ओनली मैं अपने फायदे के लिए करूंगा या तुम अपने फायदे के लिए करोगे, कॉलेज अपने फायदे के लिए करेगा, फेल ही हो जाएगा मॉडल। बहुत सारे कॉलेज इस टाइम में बंद हो गए ना, हुए भी हुए बहुत सारे कॉलेज बंद, और पता कौन से कॉलेज बंद हुए हैं? जिन्होंने सिर्फ अपना फायदा लिया, जिसने रिटर्न ही नहीं किया सोसाइटी को, जिसने स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, वो फेल हो गए सारे। एक पीक हिट किया था जिन लोगों ने 2003-4-5-4-7-8-10-12 तक इंजीनियरिंग चल रही थी, वो सारे बंद हो गए। और कोई भी ऐसा स्टार्टअप भी फेल हो गए हैं जिन्होंने सिर्फ एक साइड देखी कि तो डिस्काउंट दे दो नाम तो दिया लेकिन फेल ही हो गए। बहुत सारे आपको भी सुना होगा, बहुत सारे नाम एकदम से स्टार्टअप आते हैं और एकदम से गायब हो जाते हैं, लेकिन मार्केट में लॉन्ग रन के लिए वही सस्टेन कर पाता है जिसका मॉडल सस्टेनेबल है, जिसमें हर किसी का फायदा हो गया, वही मॉडल सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब भी यही है जिसमें हर किसी का फायदा हो। आ रही नहीं बात समझ? आ रही है? थक तो नहीं गए? बोर तो नहीं हो रहे? एक बार हाँ भी बोल दो। चलो उसके बाद देखो, DRDO पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं, पहला गेट क्वालिफाई, गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, गेट चाहिए
फिर रिटर्न होता है, दूसरे इंटरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद बी ए आरसी बाबा कॉलोनी रिसर्च सेंटर, दिस इज द ओनली पब्लिक सेक्टर जो दोनों वेज में करता है, अपना टेस्ट भी देता है और गेट के थ्रू भी देता है कि ठीक है यार गेट में तुम्हारा 3 घंटे अच्छे मिले तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, बट इफ यू आर कैपेबल अगेन रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करो और फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करो। एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आजकल उसका ग्रुप टास्क और इंटरव्यू चल रहे हैं, आजकल इसका जीटीओ इंटरव्यू चल रहे हैं, तो एचपीसीएल अपना टेस्ट देते हैं। बीपीसीएल ये आजकल कैंपस प्लेसमेंट में आ रहा है, जब से ज्यादातर इसमें गवर्नमेंट ने अपना उसमें से शेयर निकाला है। बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपना टेस्ट देते हैं, गेल गेट के थ्रू, आईसीएल गेट के थ्रू, सेल गेट के थ्रू, बीएचईएल अपना टेस्ट देते हैं, ओएनजीसी गेट के थ्रू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मैं बात कर रहा था एआई, इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना टेस्ट देते हैं, जिसमें बीएससी और इंजीनियरिंग सारे एलिजिबल होते हैं, बस तुम्हें फिजिक्स और मैथ चाहिए होता है। अभी 490 वैकेंसीज निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की थ्रू द गेट 2024 एग्जाम। अब हमें पता नहीं कि हम लोग मतलब ये सोच के देखते हैं जो तुमने साल दो साल की बात कर रहे हैं, सो जब किसी मैरिज होने वाली होती है उससे पहले सोच के देखो तुम लोग क्या एक्सप्लोर करते हो, कोई भी बंदा क्या एक्सप्लोर करेगा, कोई चेक करेगा सब प्री वेडिंग की वीडियो देखना स्टार्ट करेगा किसी होती है ना, वो देखना स्टार्ट करेगा, फोटोग्राफर्स को देखना स्टार्ट करेगा, फिर तो हम उससे पहले प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं ना कोई भी काम करने से पहले। अब तुम लोग पास आउट हो जाते हैं कुछ नहीं अगले साल कुछ नहीं उससे अगले साल, तो उससे साल दो साल पहले तो हमें यह लगाना पड़ेगा उस चीज के लिए कि मेरे को चाहिए उसके बाद तो हमें वो ये वाला पूरा साल खास करके आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, जिससे तुम्हें पता लगे कि अगले साल या उसके अगले साल मेरे को क्या करना, क्योंकि प्रिपरेशन तुम्हें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। राइट, नंबर टू द हायर स्टडीज, हमने तीन चीजों पर डिस्कस किया था, एक है एमटेक प्रोग्राम, गेट के पास 2 साल का प्रोग्राम, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप, 2 साल का प्रोग्राम, एक होता है एमएस प्रोग्राम जिसमें 3 साल का प्रोग्राम होता है, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है, तीसरा होता है डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम जिसमें अपनी स्टाइपेंड बढ़ाए 38,000 से 47,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप और 5 साल का प्रोग्राम होता है, एक पीएमआर पीएचडी होती है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, एक पीएचडी होती है जिसमें 70,000 से लेकर 80,000 पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। कोई मेरे को ये बता सकता है कि तुम्हें पैसा क्यों दे रहा है, कहां से दे रहा है, कोई मेरे को इसका आंसर बताओ, ये पैसा तुम्हें कहां से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये करने के बाद आप कैपेबल हो जाओगे यार, तो गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा, गवर्नमेंट दे रही है ना पैसा तुम्हें, गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा, एसेट्स होंगे उनके पास, एक रीजन है बिल्कुल, लेकिन ये रीजन नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशन है बच्चे को कि ठीक है यार मैं अपना खर्चा निकालूंगा कोई बात नहीं, इन पैसे घर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ उसमें, लेकिन उसको जस्टिफाई कैसे कर रही है कि तुम दे क्यों रही है, ये तो ठीक है वो तो उसका पर्पस है, वो तो फाइनल गोल है उसका, लेकिन क्यों कर रही है, किसको, गवर्नमेंट को, यस बिल्कुल चाहिए, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए, सोसाइटी की चाहिए, कंट्री को चाहिए। गेट के एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ था, यही पर्पस था कि कैपेबल लोग हायर स्टडीज करें, क्यों करें, क्यों करें, नॉलेज तो बंदे का बढ़ेगा, कंट्री को क्या फायदा होगा, कंट्री को तो फायदा होगा क्योंकि अगर कंट्री को डेवलप करना है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, इंजीनियर का, और अगर मेरे को चीजों को यहीं पे बनाना है, मेरे को जहाज यहीं पे बनानी है, मेरे को नहीं एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सपर्ट चाहिए ना दो डोमेन के, आप लोग एक्सपर्ट हो किसी डोमेन के, नहीं, मास्टर पीएचडी लोग एक्सपर्ट है अपनी एक स्पेशलाइज्ड डोमेन के, रिसर्च तो वही कर सकते हैं, रिसर्च टाटा के अंदर हो रही होगी, रिसर्च आईटी के अंदर हो रही होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग का जो स्पेशलिस्ट बंदा है वो आईटी के अंदर मिलेगा प्रोफेसर है, टाटा के अंदर आरएनडी डिपार्टमेंट में मिलेगा, आईटी के अंदर मिलेगा, जब टाटा को मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है कहां जाएगा, वो देखेगा इसका स्पेशलाइज्ड पर्सन कौन है, ढूंढेगा वो, उसके पास जाएगा कि ये ले भाई ये प्रॉब्लम आ रही है इसका सॉल्यूशन दे, ये पकड़ 10 करोड़ रुपए, सिस्टम ऐसे चल रहा है, गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही है, क्यों देगी, लेकिन सस्टेनेबल मॉडल बना दिया है, बन गया है सस्टेनेबल मॉडल, इसमें हर किसी का फायदा, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे हो रहा है हर किसी का फायदा, टाटा ने प्रोजेक्ट दे रही है प्रोफेसर को 10 करोड़ का, ये पकड़ में 10 करोड़ के प्रोफेसर की जेब में जा रही है, नहीं गवर्नमेंट में जा रही है, उसमें परसेंटेज प्रोफेसर को जाता है, ठीक है, अब क्या प्रोफेसर खुद उस प्रोजेक्ट में काम करेगा,
ऐसे तो बहुत प्रोजेक्ट है उसके पास, तो वो क्या ढूंढेगा, बंदे चाहिए जो इंटरेस्टिंग है मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में काम करने के लिए। आगे वासन में अब वो बंदे कौन है, तुम लोग हो जो मास्टर्स करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, तुम लोग वहां पे जाओगे किसका फायदा हो रहा है, तुम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका सोल्यूशन दे रहे हो, उसका सोल्यूशन निकला ना, थिंक अबाउट किसका फायदा हुआ, बच्चे का फायदा हुआ क्यों तुम्हें डिग्री मिली, प्रोफेसर का फायदा हुआ हाँ कि उसके रिज्यूमे में जुड़ गया कि मैंने प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम दी है, उस इंडस्ट्री का फायदा हुआ यस हुआ, कंट्री का फायदा हुआ हुआ, क्यों क्योंकि प्रॉब्लम सोसाइटी की थी भाई, अगर कोई चीज नहीं सोल्यूशन मिल रहा है, टाटा ग्रुप किसके लिए काम कर रहा है, नो डाउट एक सिस्टम है, लेकिन अल्टीमेटली वो सोल्यूशन तो प्रॉब्लम किसके दे रहे हैं, सोसाइटी के दे रहे हैं ना, हमारी क्वालिटी लाइफ बढ़ाने के लिए हो रहा है ना सारा काम, हाँ या ना बोलो, तो ये सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, सस्टेनेबल होना जरूरी है। आगे बात समझ रही है, तो कभी भी जिंदगी में ना हमेशा अपना फायदा मत सोचना, वो फेलियर है मॉडल प्रूवली, या तुम उसके ऊपर बोझ बन जाओगे उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तभी जॉब और करियर में यही डिफरेंस है। हम लोग ट्राई करते हैं जॉब के लिए, जॉब क्या है कि 8 घंटे नौकरी करनी है, 5 दिन जॉब करनी है, 80,000 मेरे पास जो कुछ पैसे आएंगे इसको मैंने ऐसे ऐसे यूज करना है, ये होगी जॉब। करियर क्या होता है, जिसमें ना तुम पैसा देख रहे हो, जिसमें ना तुम टाइम देख रहे हो, जिसमें काम तुम अपनी कैपेबिलिटी अपनी जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वो कर, और उसका डिविडेंड तुम्हें मिलता है, समझ रही है ना, ये डिफरेंस है जॉब और करियर के। अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जॉब ढूंढनी है करियर ढूंढना है, और रास्ता यही है। मैं बार बार क्यों गेट एग्जाम के ऊपर आ रहा हूं पता है, क्योंकि ये रास्ता है, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और आज का जो टाइम है ना, इतना आसान है करियर बनाना, इतना आसान है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि जो आज से 5-7 साल की पहले की, उससे पहले की 10 साल, और जो पिछले 4-5 साल से चल रहा है, जो कि आगे और 4-5 साल चलेगा, बहुत आसान है। आईटी सिस्टम में एंटर करना बहुत आसान है, पब्लिक सेक्टर एंटर करना बहुत आसान है, और मेरे पास ऐसी पता नहीं कितनी एग्जाम्पल्स हैं, बिकॉज जॉब की जो प्लेटफॉर्म दे रहा तो पूरी इंडिया जुड़ गया हमारे साथ। इंटरव्यूज की तैयारी किसी ने करनी है, जीडी जीडी की तैयारी करनी है, योर पीडीएस का प्लेटफॉर्म, गेट एग्जाम दे दिया, सर मैं इस स्कोर को यूटिलाइज कैसे करूं हाई स्टडी में अप्लाई करने के लिए पब्लिक सेक्टर के लिए, योर पीडीएस का प्लेटफॉर्म। हम लोग बच्चों को पब्लिक सेक्टर में भेज रहे हैं, हम लोग बच्चों को हाई स्टडी में भेज रहे हैं, पता है कौन ज्यादा सेटिस्फाइड पर्सन है, जो हाई स्टडी में बैठे, जॉब वाले कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यस कंडीशन इज इफ द पर्सन इज कैपेबल, तुम्हें हमेशा मजा मिलेगा यार मैं जल्दी जल्दी जॉब में आ रही, और यही गलती मोर देन 90% आप लोगों में से भी करोगे, कि जब तुम जल्दी करोगे जॉब में एंट्री करने का, अगले आने वाले 4-5 साल को इन्वेस्ट करना है तुम्हें अपने आने वाले 30-35 साल के लिए करियर के लिए, कोई जल्दी नहीं है यार, 21-22 साल की उम्र में तुम पास आउट होगे, 5-7% एक साइड पर रख दो जिनको घर में पैसा देने का रिक्वायरमेंट है जॉब का, अदरवाइज 90-95% आप लोगों में से अगर अपना खर्चा खुद का निकाल लो, घर से नहीं निकलने का रिक्वायरमेंट, तो मेरे को खुद बताओ तुम्हारा ब्रांडिंग हो रहा है, तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, तुम स्पेशलाइज हो रहे हो डोमेन के, कौन मना करेगा आपको ये करने को, कोई नहीं मना करेगा। तो इस कारण से हायर स्टडीज बेस्ट होती है। अब समझ आ गई पैसे कहां से आ रहे, पर्सन आए पैसे कहां से आ रहे, खास करके पीएचडी में एप्लीकेबल है। नाउ लेट मी टेल यू द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमटेक एंड एमएस प्रोग्राम, ध्यान से सुनना, एमटेक इज अ 2 ईयर प्रोग्राम, एमएस इज अ 3 ईयर प्रोग्राम, 12,400 रुपए पर मंथ का स्कॉलरशिप दोनों में मिल रहा है। एमटेक में जो रिसर्च वर्क है वो 1 साल का होता है, एमएस में जो रिसर्च वर्क है वो 2 साल का होता है। अब सर 12,400 रुपए किस चीज के दे रहे हैं, हमें दो चीजें होती है यहाँ पे, जो एमटेक प्रोग्राम है उसमें जो तुम्हें ये असिस्टेंटशिप मिलती है उसको असिस्टेंटशिप मिलती है बोलते हैं, और टीए होता है टीचिंग असिस्टेंटशिप, कि वहां पे जाओगे तुम तो बीटेक वालों की बच्चों की तुम लैब दोगे, पेपर लिखोगे, मतलब प्रोफेसर की हेल्प करोगे, तो ऐसे जस्टिफाई हो रहे 12,400 रुपए। एमएस के अंदर वो आ रही है,
रिसर्च असिस्टेंटशिप जिसमें तुम प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो प्रोजेक्ट पे, तो 12,400 पे ऐसे जस्टिफाई होते हैं। वेस्टेज नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि बंद कर दो स्कॉलरशिप, लेकिन वो मॉडल ही फेल हो जाएगा, मॉडल ही फेल हो जाएगा। ठीक है, फूड चेन हम लोगों ने पढ़ी है ना एनवायरमेंट के अंदर, एक भी निकाल दो बीच चेन खत्म, यही चीज है। नाउ कम टू द मैनेजमेंट, मैंने बोला तुम लोग एमबीए भी कर सकते हो गेट के थ्रू, यू कैन एंटर इनटू द आईएमएस आल्सो थ्रू द गेट एग्जाम, ये भी स्टेटमेंट आप लोगों में से पहली बार सुना होगा। अगर इसी तुरंत मेरे को बता दो कि यू कैन एंटर इनटू द आईएमएस थ्रू द गेट एग्जाम एंड दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एफपीएम, 25,000 से लेकर 35,000 का स्कॉलरशिप। और लिखा एमबीए, एमबीए फ्रॉम आईआईटी एंड आईएससी, हर आईआईटी हर एनआईटी में मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बॉम्ब्स आईआईटी मद्रास, आईयूआर आईआईटी बॉम्बे, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी बेंगलोर, मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट आईआईटी दिल्ली, हर आईआईटी हर एनआईटी में मैनेजमेंट कोर्सेज आर देयर। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो करी जा रही है, मैनेज करने के तो चाहिए ना लोग, चाहिए भी चाहिए मैनेज करने। अब ये भाई हर बंदे के ऊपर है ना कि मेरे को मैनेज करके अच्छा लगता है, मेरे को काम करके अच्छा लगता है, समझ रहे हो? ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे करियर के लिए, कि मेरे को मैनेज करके बंदों के साथ डील करके ज्यादा अच्छा लगता है या मेरे को खुद काम करने के लिए अच्छा लगता है। ये हर पर्सन टू पर्सन पर्सनैलिटी है। बहुत लोग हैं जो आपके फेस्ट वगैरह होते हैं तो इवेंट मैनेजर बन जाने लगते हैं, एक एक छोटे छोटे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं उसको हैंडल करते हैं, उनको मैनेज करके अच्छा लगता है, उनको कुछ फायदा हो रहा है इंडिविजुअल, ठीक है नंबर मिलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जो बाई इंटरेस्ट कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट से, और उसको सर्टिफिकेट को इंटरव्यू में दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए आ रहा है ना वो दो मिनट में पता लगा देगा कि इसका स्किल वहां पे है या नहीं है, दो मिनट लगता है उसको पता लगाने में। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पैसे करने वाले के ज्यादा होते हैं कि करवाने वाले के ज्यादा होते हैं? और ये इंटेग्रल पार्ट है सिस्टम का, तभी तो आईएम्स एम्स आईआईटी ये तीन बहुत बड़े पिलर हैं इस कंट्री के। अगली बात सुनते हैं, तो हर आईटी हर एनआईटी में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर देयर, एफपीएम फ्रॉम आईएम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अब्रॉड, कौन लोग हैं जो अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, कौन लोग हैं? चलो मैं बोल रहा हूं कि पैसा एक साइड पे रख दो, कि पैसा कोई फैक्टर नहीं है, अब मेरे को बताओ कौन लोग चाहते हैं कि मैं अब्रॉड पढ़ के आऊं, पैसा छोड़ दो एक साइड पे, पैसा मैं बता रहा हूं नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूं रास्ता बता के जाऊंगा अभी, और मैं बता रहा हूं कि जाना चाहिए तुम्हें, जितना तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे ना, जितना यहां से बाहर निकलोगे, जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे उतना तुम लाइफ में ग्रो करोगे, उतना तुम लाइफ में ग्रो करोगे। अब्रॉड जाने के दो तीन तरीके हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब्रॉड में जब तुम जाते हो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, पहले तो मैं डिस्कस कर लेते हैं गेट के थ्रू, कुछ चार पांच यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू लेते हैं, इसमें स्कॉलरशिप होती है, स्टाइपेंड होता है, ठीक है? तो बता सकते हो मेरे को कोई कॉलेज जो गेट के थ्रू लेते हैं फॉरन में, कोई एक सिंगापुर में दो यूनिवर्सिटीज हैं, नन्यान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एनयूएस एनटीयू, ये गेट के थ्रू लेते हैं मास्टर प्रोग्राम के लिए और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, राइट? आरडब्ल्यूटीएच टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, आरडब्ल्यूटीएच जर्मनी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, क्रैनफील्ड यूके, ये पांच यूनिवर्सिटी है जो गेट के थ्रू मास्टर प्रोग्राम के लिए लेते हैं। अब मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ कि जब भी आप टारगेट करो अब्रॉड जाने का तो क्या करना है। अगर तुम मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हो तो वो गलती मत करना कि वो कोई 8-10 महीने के कोर्स के लिए जाओ, वो गलती मत करना। एज ए टेक्नोक्रेट जाना है, अब्रॉड जाना है, एज ए लेबरर मत जाना, पहला गलती। दूसरा, पैसा वेस्ट करके तो बिल्कुल भी नहीं जाना, पैसा नहीं वेस्ट करना है, अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी वेस्ट मत करना, ठीक है? अभी कैसे होगा सर, बोलने से थोड़ा बताओ रास्ता क्या है। जब तुम अब्रॉड जाते हो तो मास्टर प्रोग्राम के लिए तो दो कोर्सेज होते हैं वहां पे, इसके बारे में नहीं बताते हैं, नहीं पता,
एक होता है एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एक होता है एमएस प्रोग्राम। एम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में स्कॉलरशिप नहीं होती है, एमएस प्रोग्राम में स्कॉलरशिप होती है। अब तुम जो जरिया अपनाते हो ना, जो एजेंट्स के पास तुम जाते हो, एजेंट जाते हो, इनको नहीं पता इन चीजों के बारे में, इनको सिंपल पूछ लेना एमएस और एम इंजीनियरिंग में फर्क क्या है, तो तुम्हें वहीं से बात कर देंगे, हाँ जो क्योंकि इनका पर्पस सिर्फ भेजना है। लेकिन तुम्हें जाना पढ़ने के लिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज, टारगेट लो कि मेरे को वर्ल्ड की 50 टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, एंड यू कैन गो देयर। और समय अपना प्रोफाइल वैसा बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल वैसा बनाना पड़ेगा। तो एमएस में स्कॉलरशिप है। नाउ आई टॉक्ड अबाउट द डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड। आई थिंक एज ऑफ नाउ वी हैव सेंट अराउंड 15 टू 20 स्टूडेंट्स इन यूएसए फॉर डायरेक्ट पीएचडी। अब ये क्या चीज है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करो पीएचडी क्या चीज है। पीएचडी एक जॉब है, पीएचडी एक जॉब है। 70-80 लाख में मिल रहे हैं तुम्हें, 40-50 हजार में, उसमें तो 12,400 रुपए वो ठीक है, जस्टिफाइड है, कोई बात नहीं। लेकिन यार 40-50 हजार दे रहे हैं आपको, और फॉरन में तो तुम्हें 2,500-3,000 पर मंथ का यूएस डॉलर स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ये एक जॉब है, कैसे जॉब है वो तुम्हें बता दिया, प्रोफेसर का प्रोजेक्ट है, तुम्हें काम करना उसमें जाके। आप में से कितने लोग हैं जिसका 8+ CGPA है, कोई जिसका 8+ CGPA? डायरेक्ट पीएचडी का बीटेक के साथ बात जाना चाहते हो अब्रॉड के लिए, तो सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8+ मिनिमम, जितना ज्यादा उतना बेटर है। और जैसे मैंने बोला ये फुली फंडेड प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये जॉब होती है, खर्चा इसमें आएगा तुम्हारा 1.5 से 2.5 लाख मैक्सिमम, 2 लाख टिकट भी लगा लो बीच में, 2 लाख रुपए पीएचडी प्रोग्राम के लिए, चाहे वो पीएचडी आफ्टर मास्टर प्रोग्राम हो, चाहे वो डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर का बैचलर हो। दूसरा तरीका अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, डू मास्टर्स फॉर मीडिया, प्रोफाइल अपना अच्छा करो और पीएचडी के लिए अब्रॉड चले जाओ, और पीएचडी के लिए अब्रॉड चले जाओ, क्योंकि पीएचडी फुली फंडेड होगा और बहुत इजी है जाना, खर्चा कुछ नहीं आना। 2 लाख तो तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि सर 2 लाख में चले जाएंगे और स्कॉलरशिप वहां पे मिलेगी जाके, और कोई खर्चा नहीं होगा वहां पे, खर्चा तुम्हारा 1,000-1,500 डॉलर से ऊपर नहीं है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है, फीस तो है ही, तो अपने काम के लिए बुला रहे, समझ रहे हो नहीं, तो अपने काम के लिए बुला रहे प्रोफेसर तुम्हें अब्रॉड में। और यूरोप के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, स्कॉटलैंड वगैरह, जर्मनी वगैरह, जो पीएचडी को पीएचडी लिखती जॉब लिखती है, देयर इज अ जॉब ओपनिंग फॉर दिस प्रोफाइल, रिक्वायरमेंट सिर्फ देती है सीएफटी आना चाहिए, मैट लैब आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोजेक्ट होना चाहिए। तुम चेक करो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेरा जो स्किल है, जो मेरा स्किल सेट है, क्या इससे मैच कर रहा है, यस मैच कर रहा है। एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखो, एक मेल बनाओ, उस प्रोफेसर को मेल कर दो, जब वो देखेगा यार इसकी जो स्किल सेट है ये मेरी रिक्वायरमेंट से मैच करता है, आपको रिप्लाई करेगा। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं और ये यूरोपीय ग्लोबल कर रहा है। ये तरीका है अब्रॉड जाने का, जो भी आप लोगों से कहा। अगली बात समझ, हाँ, शुड आई लाइक टू गेट एग्जाम बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में गेट लिखने के बेनिफिट वही चीज है कि थर्ड ईयर में मेरा मे बी दिन अच्छा ना रहे, मेरे को फाइनली में और मौका मिल जाएगा, या मेरा थर्ड ईयर में दिन अच्छा रह गया, फाइनली में अच्छा नहीं रहा। तो कहने का मतलब है कि अगर तुम थर्ड ईयर में भी लिख रहे हो, फाइनल ईयर में भी लिख रहे हो, तो तुम्हारे पास ज्यादा सेट हो जाता है स्कोर कार्ड का। अब उसमें से कौन सा तुम्हें यूज करना है वो डिपेंड करता है तुमने किस डोमेन में पेपर लिखे और उसमें कितने तुम्हारे उसके अंदर मार्क्स आते हैं। बात आ गई तुम्हें, तो थर्ड ईयर लिखने के ये बेनिफिट है। उसके बाद दो गेट एग्जाम लिखने के वही बेनिफिट, एक साल में तुम दो लिख रहे हो, थर्ड ईयर में दो लिख रहे हो, फाइनल ईयर में दो लिख रहे हो, तो 4 एग्जाम होंगे, 4 में से 1 एग्जाम तो ये अच्छा जाएगा मेरा, समझ में आ रही नहीं, 4 में से 1 बार तो हेड आएगा, एक बार तो हेड आएगा 4 तारीख में। चार चांस है मेरे पास,
फाइन है, एक बार हेड लेके आना है, एक बार हेड लेके आना है। प्रोबेबिलिटी किस केस में आई है, एक चांस में चार चांस में? अभी बस हमें यही चांस है। उसके बाद हाईएस्ट रिस्क कमी क्यों है, मैं इसका आंसर दे चुका हूं, मैं इसका आंसर क्यों, क्या रीजन है बताओ मेरे को, क्यों करनी चाहिए हाईएस्ट रिस्क? सबसे पहली चीज कैपेबल ब्रांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांडिंग, जिस कारण से तुम्हारे ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, तुम एक डोमेन के स्पेशलाइज हो गए। मैं तो स्पेशलाइज्ड डोमेन की हम लोग बात करते हैं, देखो तुम लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो तो दो टाइप, दो कैटेगरी में डाल दो स्पेशलाइजेशन को, एक तुम्हारी कोर डोमेन, एक आगे इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन। कोर डोमेन की स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी होती है तुम्हारी बताओ, किसमें तुम जा सकते हो मास्टर में, स्पेशलाइज कौन कौन से कोर्स होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मैकेनिकल इंटरडिसिप्लिनरी में आ गया। कोर बताओ मेरे को, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, फ्लूइड एंड थर्मल प्रोडक्शन, ठीक है, ये कुछ कोर है। अब आ जाओ इंटरडिसिप्लिनरी में, ये लिस्ट बहुत लंबा है क्योंकि इसमें सारी ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। कौन कौन से बोलो, इंटरडिसिप्लिनरी मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, और बोलो सस्टेनेबल, एरोनॉटिकल स्पेशलाइजेशन ही एरोस्पेस में होती है, केमिकल में तुम जा सकते हो डेफिनेटली, यस। और बताओ रूरल टेक्नोलॉजी, और बताओ ई व्हीकल्स, आईओटी, और बताओ ई वेस्ट मैनेजमेंट, और बताओ एनर्जी, और बताओ एनवायरमेंट, और बताओ रॉक इंजीनियरिंग, ओशियन इंजीनियरिंग। ओशियन इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास के अंदर ओएनजीसी आती है प्लेसमेंट के लिए, सारे ऑयल सेक्टर आते हैं वहां पर प्लेसमेंट के लिए। एरोस्पेस आईटी मद्रास, बोइंग के एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो ये कुछ मैंने आपको इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन बताया। एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, आईटी मद्रास, आईटी हैदराबाद। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको कैसे बताया, ऐसे कोई पट्टे मारने लगे हुए हैं। हम लोग इसी चीज से डील करते हैं और आज तक यही चल रहा है, पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग। एक के कॉलेज का पता मेरे को, कहां पे कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, किस तरह से। अगली बार समझ में तो ये बहुत स्पेशलाइजेशन है। जब तुम किसी एक आईटी में अप्लाई करने लगते हो ना, तो तुम्हारे पास रफली 80-100 ऑप्शंस होती है अप्लाई करने के लिए, रफली बता रहा हूं मैं तुम्हें। पर आउट ऑफ 23 आईटी रफली 1000 प्लस ऑप्शन होते हैं तुम्हारे पास अप्लाई करने के लिए। अब तुम्हें जाना है एक अपनी डोमेन का स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो ब्रांडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा है स्पेशलाइजेशन, तीसरा कैपेबिलिटी। तो ऑटोमेटिकली अगर ये चीजें होनी है तो बढ़ेंगे पड़ेगा। और उससे भी आपको और ब्यूटी पता है, जब तुम आईटी सिस्टम में एंटर करते हो, तुम सोच के जाते हो वहां पे कि प्लेसमेंट लेंगे, तगड़ा पैकेज लेंगे, लेकिन जब तुम वहां पे जाते हो, वहां पे जब तुम्हें जो एनवायरमेंट मिलता है, जो तुम्हें ऑरा वहां पे मिलता है, जो तुम्हें लोग वहां पे मिलते हैं, जो तुम्हें इकोसिस्टम जो वहां पे मिलता है, जब तुम बाहर आते हो कुछ और ही बन के बाहर आते हो। क्यों? क्योंकि जो आईटी सिस्टम है ना, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये एम्प्लॉयर्स क्रिएट करने के लिए है। अगर एम्स से सारे एमबीबीएस करके सभी ने अगर सरकारी नौकरी लेनी हो ना, तो एम्स सिस्टम फेल, समझ रहे हो? इसलिए बनते हैं कि लोग वहां पे जाके कैपेबल बनते हैं, ब्रांडिंग होती है, और अपना डॉक्टर अपना हॉस्पिटल खोल सकता है। हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं पहुंच सकती है ना, तुमने जब डॉक्टर सेलेक्ट करना होता है ना, तो तुम देख लो कि इसका प्रोफाइल क्या है, और एम्स है, एम्स का डॉक्टर अच्छा है, बाई डिफॉल्ट तुम लोग मान लेते हो अच्छा है। अरे ना होता क्या है सर, कि जिसने एम्स से एमबीबीएस किया है, तुम बाई डिफॉल्ट मान लेते हो कि वो अच्छा है, तो ये आईटी के लिए क्यों नहीं एप्लीकेबल, और ये एप्लीकेबल है। यही चीज तुम्हें मैं एनालाइज करवाने की कोशिश करूं। सभी टारगेट लो, अच्छे से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, बहुत ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। और थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट करो, बड़ा सोचना, छोटा मत सोचो। और सबसे बड़ी गलती पता तुम कब करोगे, जब तुम फाइनल ईयर में हो जाओगे ना, एट सेमेस्टर में, तो तुम लोग देखोगे मेरी क्लास में किसका क्या बना,
और तुम वहां पे करते हो कंपैरिजन, वहीं फंस जाते हो बस, वहीं तुम गलती में कोई गलत स्टेप ले जाते हो जल्दी में। अगर कंपैरिजन करना है तो कम से कम 4-5 साल के बाद करना, बीटेक पास आउट होने के बाद इमीडिएट कंपैरिजन मत करना, क्योंकि अगले तुम्हें 3-4 साल 4-5 साल देने हैं अपने करियर के लिए, तो जाके तुम्हारा वो उस कंफर्टेबल जोन में आ पाओगे। मेहनत करो अगले 3-4 साल 4-5 साल दबा के। ये कुछ स्पेशलाइजेशन है, विजिबल तो नहीं है ना, मैं बोल रहा हूं ये दो गेट पेपर वाले रिक्वायरमेंट्स है, ये है थोड़ा मैकेनिकल राइट। देखो पहली चीज है कि दो गेट पेपर देना कंपलसरी नहीं है, दो गेट के पेपर देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन दो पेपर अगर तुमने देने तो कौन से देने और कैसे दे सकते हो वो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो, अगर तुम गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो तो जिस ब्रांच में तुम्हारा बीटेक है उसी ब्रांच में तुम्हारा गेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब बीटेक तुम्हारा मैकेनिकल में तो गेट भी तुम्हारा मैकेनिकल में ही होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द पब्लिक सेक्टर। उसके बाद तुम कौन कौन से पेपर से तुम लिख सकते हो, एई एरोनॉटिकल, डीए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गेट, ये इसी साल स्टार्ट हुआ है, आईसी बेंगलोर ने स्टार्ट हुआ है, IN, instrumentation, NM, naval marine and architecture, PI, production, XC, engineering sciences. Engineering sciences क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तुम लोग इससे खासकर जो हायर स्टडीज देख रहे हैं ना, XC बहुत इंपॉर्टेंट है। XC में क्या है, इंजीनियरिंग के जो भी कोई भी ब्रांच का पेपर होता है ना उसमें 30 नंबर तो देखो फिक्स है, 15 नंबर का इंजीनियरिंग मैथ, 15 नंबर का आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, 70 नंबर। मैकेनिकल से दे रहे हो तो सारे सब्जेक्ट आएंगे ऑलमोस्ट, जब तुम एक्सी से दे रहे हो तो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट में से तुम्हें 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं और वो 35-35 नंबर के आते हैं। वो 4 सब्जेक्ट क्या है, सॉलिड मैकेनिक्स जिसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमेटीरियल और आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है। दूसरा आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स, तीसरा आ गया थर्मल एंड एप्लीकेशन, चौथा आ गया आपका मटीरियल साइंस, चौथा आ जाता है मटीरियल साइंस। तो इन 4 पेपर में से तुम्हें 2 सिलेक्ट करने होते हैं, वो 35-35 नंबर के आएंगे। हाँ, लेकिन अब तुमने जो 2 पेपर जो सिलेक्ट किए ना 2 सब्जेक्ट में, तो तुम हायर स्टडीज फिर उसी डोमेन में जा सकते हो। अगर तुमने फ्लूड और थर्मल रखे हैं तो तुम डिजाइन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, बात आ रही है मेरे समझ में। तो ये इस बेस पे डिसाइड करना है कि कौन सा पेपर मैं दूं, सर प्रोडक्शन में दे दो, प्रोडक्शन में दे दो, उसमें डिजाइन में तुम एलिजिबल नहीं फिर अप्लाई करने के लिए। जितना भी मैंने सेकंड पेपर बताया ना इसके थ्रू तुम किसी भी पब्लिक सेक्टर में एलिजिबल नहीं अप्लाई करने के, किसी पब्लिक सेक्टर में एलिजिबल नहीं हो, वो हायर स्टडीज के लिए है सर। डेटा साइंस एंड AI दिमाग में आ रहा होगा सर, ये तो कंप्यूटर साइंस की डोमेन है, क्या कंप्यूटर साइंस की डोमेन है, नहीं ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। और इस बार इन्होंने नया गेट पेपर स्टार्ट कर दिया, गेट इन DA, इसका क्या पर्पस है कि सर मैं अगर गेट मैकेनिकल में दिया है तो मैं डेटा साइंस में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, यस कर सकते हो, लेकिन ट्रबल क्या आता है, ट्रबल आता है जब तुम वहां पे जाके ज्वाइन करोगे, वहां पे जाके तुम्हें भी महीना दो महीना एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो IT बोल रहा है अगर तुमने जाना ही डेटा साइंस